वाराणसी में टमाटर को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां बाउंसर लगाकर सब्जी वाला टमाटर बेच रहा था। इसमें एक समाजवादी कार्यकर्ता अजय फौजी भी नजर आ रहा था। ऐसे में इसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर तंज किया। इस तंज के बाद दिल्ली से लेकर वाराणसी तक हड़कंप मच गया। नगर निगम और पुलिस की टीम ने सब्जी विक्रेता के यहाँ छापेमारी की तो सारा सच सामने आ गया। टमाटर का भाव इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। बनारस समेत देश के कई शहरों में टमाटर 120 से 150 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इसे देखते हुए बनारस के लंका क्षेत्र के नगवा में सब्जी बेचने वाले सपा कार्यकर्ता अजय फौजी ने अपनी दुकान के सामने बाउंसर तैनात कर दिया। इसके साथ ही उसने एक पोस्टर भी लगाया है, जिसमें लिखा है, पहले पैसे तब टमाटर, कृपया टमाटर को ना छुएं। सपा नेता यह सब महंगाई का विरोध दर्ज कराने के लिए कर रहा था। वहीं जून महीने में टमाटर 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन जुलाई महीना आते ही टमाटर का भाव आसमान छूने लगा है। बाउंसर लगाने के मामले पर सब्जी विक्रेता अजय फौजी ने बताया कि टमाटर काफी महंगा हो गया है। महंगाई की वजह से लोग 100 ग्राम और 50 ग्राम टमाटर ले रहे हैं। कई जगहों से खबरें आई हैं कि टमाटर को लेकर मारपीट हो रही है तो कहीं लूट लिया जा रहा है। दुकानदार ने अपनी और टमाटर की सुरक्षा के लिए दो बाउंसर को तैनात किया है। जब सारे टमाटर बिक जाएंगे तो इन बाउंसरों की छुट्टी कर देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा चर्चा में आने के बाद लगाई गई इस दुकान से हड़कंप मच गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसे ट्वीट कर जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग करते हुए महंगाई पर तंज किया था। इससे हंगामा खड़ा हो गया। नगर निगम व पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। सपा नेता ने 500 रुपए के टमाटर खरीदवाए, फिर दुकानदार को हटाकर खुद बैठ गया। मामला साफ हुआ तो लंका थाने की पुलिस ने वास्तविक दुकानदार और उसके पिता को हिरासत में ले लिया। सपा नेता की तलाश में दबिश दी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक सपा नेता योजनाबद्ध तरीके से दुकान पर गए, दुकानदार को पैसे दिए और दूसरी दुकान से टमाटर मंगवाकर बेचने लगे। हिरासत में लिए गए सब्जी विक्रेता ने सच बता दिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही अजय फौजी को भी पकड़ा जाएगा। वहां का माहौल कैसा था ये हम आपको बताते हैं। दोनों बाउंसर दुकान के बाहर खड़े हैं। जब कोई भी ग्राहक सब्जी छूकर मोल भाव करता है तो बाउंसर उसे रोक देते हैं। उनसे कहते हैं कि आपको जो चाहिए मांग कर लीजिए, पहले पैसा दीजिए फिर टमाटर लीजिए। इसी की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदार सपा कार्यकर्ता है, इस वजह से वह महंगाई का इस तरह से विरोध कर चर्चा में आना चाहता है। इस खबर को सुनकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपके इलाके में टमाटर का क्या भाव है।